तो ये बताओ ई वन का सेकेंड, ई वन का सेकेंड सेकेंड। तो उसमें क्या बोला गया है, लेट ईच साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड इज वन यूनिट लेंथ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स हुज साइड्स पैरेलल टू द, अरे ये तो क्वेश्चन किया हुआ है ना हमने। यस सर, यस सर, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो चेस बोर्ड में स्क्वायर्स कितने आते हैं बताओ। 64 204 आते हैं ना, मतलब 1 यूनिट लेंथ। हां यस सर, 2 यूनिट लेंथ के। यस सर, यस आते हैं ना। यस सर, तो ये देख लो 1 यूनिट लेंथ के कितने आते थे, 64 यूनिट लेंथ के कितने हैं, 7 + 7 क्या पूछा गया है, इसका एरिया क्या होगा, उनके एरिया का सम, ठीक। ये वीडियो ब्लॉक तो नहीं हो रहा है ना, अटक गए सर, हो गया है सर, ब्लॉक है सर, एक मिनट। अब दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, तो इसमें ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, अब हमें क्या बोला गया है, इन स्क्वायर के एरिया का सम। तो ये जो 64 स्क्वायर्स आ रहे हैं, इनकी साइड लेंथ क्या है, 1, उनकी साइड लेंथ क्या है, 1 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 64 × 1 स्क्वायर एक सर्कल, एक स्क्वायर का एरिया होगा, तो ऐसे हमारे पास 64 स्क्वायर्स है, तो उनका एरिया ये। फिर उसके बाद यहाँ पे 49 × 1 स्क्वायर का एरिया कितना, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 49 का कितना, ये आ जाएगा, ऐसे ही कर लोगे क्या? यस यस सर, चलो ठीक है। फिर उसके बाद इसमें E3 यस सर, ठीक है। E3 में क्या है, find the total number of ways of selecting two numbers from the set of first 100 natural numbers such that difference of their square is divisible by 3, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा कांसेप्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी हमें दिखाई देंगे इस लैंग्वेज से, तो ये इसको हटा देता हूं मैं। तो अब यहाँ पे क्या बातें हो रही है, दो, एक से लेके 100 में से हमें दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, मान लेते हैं वो ए है बी है, तो उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस मतलब ये, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो जो हमारे पास 100 नेचुरल नंबर्स है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी 3 से डिविजिबल नंबर्स, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी होगी 3 से डिविजिबल 3λ+1 इस टाइप के नंबर्स, एंड तीसरी कैटेगरी होगी 3λ+2। इन तीन कैटेगरी में हम 100 नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो पहले तो ये बताओ 3 से डिविजिबल क्या क्या आएंगे नंबर्स, 3 98 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
डिविजिबल बाय फोर बोला जाता तो चार इसमें फोर लैम्डा प्लस वन, फोर लैम्डा प्लस टू एंड फोर लैम्डा प्लस थ्री, इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे थ्री से डिविजिबल है तो इन तीनों में हमने उनको कैटेगराइज किया। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि उनके स्क्वेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये वाली चीज क्या हो जाए, डिविजिबल बाय थ्री आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे हमें इन दो फैक्टर्स को देखना है, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या आ जाता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर भी अगर थ्री से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, या तो उनका सम थ्री से डिविजिबल आ जाए या तो उनका डिफरेंस थ्री से डिविजिबल आ जाए। ठीक है, तो ये बताओ क्या वो दोनों के दोनों नंबर हम यहां से ले सकते हैं? यस सर। समझ के बताओ। यस सर। वो दोनों नंबर हम यहां से ले सकते हैं क्या? यस यस सर। यस सर। कोई भी दो नंबर उठाओ उनका सम कितना आएगा, थ्री से डिविजिबल आएगा, दिख रहा है? यस सर। अब ये नंबर्स कितने, बोलो कितने नंबर से ये यहाँ पे टोटल 33 उठाते हैं तो ये जो चीज है ये 3 से डिविजिबल आ रही है, तो क्या हो जाएगी, पहली केस 33C2 दोनों नंबर हमने यहाँ से उठाए। अब ये बताओ क्या दोनों नंबर यहाँ से उठा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। कोई भी तो उठा के चेक कर लो, जैसे 1 4 4 and 1 का डिफरेंस कितना आता है 3, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 3 है। या तो मान लो किसी को उठाना है 7 1, तो 7 - 1 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब दोनों नंबर हम यहाँ से उठा सकते हैं, तो उस केस में ये पूरा नंबर, ये जो पूरी टर्म है 3 से डिविजिबल आ जाएगी। तो दूसरी केस क्या है, तीनों नंबर, दोनों नंबर हम यहाँ से उठा रहे हैं। फिर उसके बाद ये बताओ दोनों नंबर यहाँ से उठा सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ से भी उठाएंगे तो डिफरेंस 3 से डिविजिबल आएगा, मतलब ये पूरी टर्म 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 33C2। अब ये तो हो गया यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से एक उठाया जाए, बाकी इधर इधर से एक उठाया जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये बताओ अगर यहाँ से हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं, तो आएगा क्या बताओ 3 से डिविजिबल? तो नो सर। नो बस क्या कर लेना, यहाँ से एक नंबर उठा लेना और यहाँ से एक नंबर उठा लेना। जैसे मान लो यहाँ से 6 और यहाँ से 4 उठा रहे, सम कितना आ रहा है 10, नॉट डिविजिबल बाय 2। डिफरेंस कितना आ रहा है 2, नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब ये भी टर्म और ये भी टर्म दोनों 3 से डिविजिबल नहीं आती है। कब? जब एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से उठाते हैं, तो वो केस है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर यहाँ से उठाया जाए एंड एक नंबर यहाँ से उठाया जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो चेक कर लेते हैं, एक नंबर यहाँ से उठा लो 8 और यहाँ से 6, तो 8 + 6 = 14, 8 - 6 = 2, नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं कर सकते। अब लास्ट में क्या बचता है, एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से ले सकते हैं क्या? यस सर। मतलब एक नंबर यहाँ से उठा रहे हैं और एक नंबर यहाँ से, चलेगा? यस सर। चल जाएगा, देख तो यहाँ से फोर उठाया, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, 9 डिविजिबल बाय 3। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से, तो 34C1 एक नंबर यहाँ से उठाया एंड 33C1 एक नंबर यहाँ से उठाया, तो ये फाइनल आंसर है इसका। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को, 3 से डिविजिबल बोलते ही हमने उन
नंबर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हमें दो नंबर्स चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि ये स्क्वेयर्स का डिफरेंस, मतलब ये वाली टर्म थ्री से डिविजिबल आ जाए। ठीक, तो या तो सम हो जाए डिविजिबल या डिफरेंस हो जाए डिविजिबल, इसके अकॉर्डिंगली सोचना है। तो पॉसिबिलिटी पहले देखेंगे दो नंबर्स के लिए क्या है, दोनों नंबर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। फिर उसके बाद चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, एक नंबर यहाँ से एक नंबर यहाँ से। पांचवी क्या है, एक नंबर यहाँ से एक नंबर यहाँ से। और छठी पॉसिबिलिटी क्या है, एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से। तो फिर ये भी वेरीफाई करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी में वो थ्री से डिविजिबल आ रहा है और किसमें नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। इसको जल्दी मतलब ये सेक्शन ई में अच्छे क्वेश्चन है, ई फोर भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। किससे कितने लोगों से बन गया ई फोर? ट्राई किया। ठीक है चलो, सर अगर फोर से पूछा होगा तो क्या करते हैं? फोर से डिविजिबल तो चार कैटेगरी में डिवाइड करते सर। वो कौन सी? हाँ, कौन सी कैटेगरी सर? लैम्ब्डा, फोर लैम्ब्डा प्लस फोर आता है। बताया ना स्टार्टिंग में, अगर फोर से बोला जाता तो फोर लैम्ब्डा। इन तीन कैटेगरी में तो यहाँ पे 4, 8, 12 इस तरीके के नंबर्स आते हैं, यहाँ पे 1, 5 इस तरीके के आ जाते हैं, यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 3, 7 इस तरीके के आते हैं। ठीक है, यस सर। ये हटा दो। यस यस, क्वेश्चन के पीछे की सोच तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद वो लकी नंबर प्लेट वाला क्वेश्चन है E4। इसमें क्या है, 4-digit नंबर प्लेट ऑफ कार इज सेड टू बी लकी। ठीक है, अब ये नंबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर प्लेट है, तो ये बताओ 0000 नंबर वाली नंबर प्लेट हो सकती है क्या? यस हो सकती है ना, इतना तो ऑब्जर्वेशन होगा ही सभी लोगों का, 0000 क्या हो गया, इफ सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट टू डिजिट, मतलब इन दोनों डिजिट का सम इन दोनों डिजिट के सम के इक्वल होना चाहिए, तब जाके उस नंबर प्लेट को लकी बोला जा रहा है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सच अ लकी प्लेट्स। अच्छा, वहां पे ये बोल के दिया गया कि 00 वाली नंबर प्लेट हो सकती है। तो ये देख लो, सबसे पहले लकी को बोला जा रहा है इन दोनों डिजिट का सम इन दोनों डिजिट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये बताओ इन दोनों डिजिट्स का मिनिमम सम कितना हो सकता है? 18 तो उतने केसेस हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे सम 0। ठीक है, एक पैटर्न मिलता है, सम 0 आ रहा है। तो ये बताओ अगर सम 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 एक ही तरीके से इन दोनों प्लेसेस को हम फिल कर सकते हैं, है कि नहीं? एंड इसके इसके ऊपर भी सम 0 आ रहा है तो 0 0 तो इन दोनों प्लेसेस को भी हम एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं। इधर क्या है, 0 0 0 0 1 × 1 इतने नंबर प्लेट यहाँ पे पॉसिबल होंगे अगर सम 0 है तो, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस को फिल करने की एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 0 आ जाए यहाँ पे भी 0 आ जाए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सम 0 चाहिए तो एक ही तरीके से इसको फील किया जा सकता है 0 0
तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितने बनेंगे, 1:1, ठीक है, एक नंबर प्लेट। फिर उसके बाद सम वन, तुम खुद ही बताओ अब इन दो प्लेसेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है अगर सम वन है तो। दो 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 तरीके दो, से दो, एक तो 0-1 या 1-0, मतलब इधर लिख रहा हूं मैं 0-1 या 1-0, इन दो तरीके से इन दो प्लेसेस को फिल किया जा सकता है। सिमिलरली उधर वाले दो प्लेसेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, दो दो। टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने बनेंगे, चार और दो फोर बन रहे, फोर बनेंगे, फोर फोर, यस सर। मान लो ये एक है, ठीक है, सभी तो हमें वन चाहिए ना, तो 0-1, 0-1 एक प्लेट नंबर प्लेट, ये भी तो पॉसिबल हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1-0, 1-0, 1-0, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, इधर इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है वो नंबर ऑफ वेज निकाल लेने हैं, उधर भी नंबर ऑफ वेज उतने ही आएंगे, उन दोनों का कर देना है प्रोडक्ट, तो उतने नंबर प्लेट हमें मिलेंगे। तो जब सम वन आ रहा है तो उसको इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, दो। सिमिलरली उधर भी उसको कितने तरीके से, दो। तो नंबर ऑफ प्लेट कितने बनेंगे, 2। फिर ये बताओ सम अगर 2 आ रहा है तो बोलो तो इधर वाले दो प्लेसेस को तीन तरीके से फिल कर सकते, उधर वाले दो प्लेसेस को तीन तरीके से, तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितने बनेंगे, 9 फिर ऐसे ही सम अगर 3 आ रहा है तो 16 यहाँ पे, उसके बाद सम 10 या सम 9, सम अगर 9 आ रहा है तो बताओ, 10 into 10 आएगा। लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के बताना, सम अगर 10 आ रहा है तो क्या होगा, 81 समझो और बताओ, 9 into 9 फिर उसके बाद 3 7 3 4 6 5 5 5 कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अगर सम 10 आ रहा है तो इधर वाले दो प्लेसेस को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, ना कि 11 तरीके से, ठीक है, क्योंकि पैटर्न अगर तुम ढूंढते तो इसके बाद क्या बोलते, 11 into 11 ऐसे थोड़ी है, वो डिजिट्स है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर फिल करने के तरीके कितने हैं, 9, तो आएगा 9 into 9 फिर ऐसे ही। अब ये बताओ सम अगर 11 आ रहा है तो 18 to 8 ये पैटर्न क्लियर होना चाहिए, पहले वो बढ़ रहा है अप टू 10 स्क्वायर तक पहुंचे, फिर उसके बाद वो घटेगा, और ये बताओ अगर सम 18 आएगा तो 1 into 1 क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, 9 उधर भी 9 तो 1 into 1 इतने नंबर प्लेट्स यहां पे बनेंगे, ठीक है, तो इनको अब ऐड कर लेना, तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार, ठीक है, जब तुम इस 1 स्क्वायर को ऐड करोगे तो 2 बार, फिर ऐसे ही 2 स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा, 2 बार, 3 स्क्वायर भी 2 बार, 9 स्क्वायर भी 2 बार ऐड होगा, लेकिन 10 स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 बार, तो वो अलग से 10 स्क्वायर, ठीक है, यस सर क्लियर है अभी, यस सर चलो अब आगे बढ़ते, पार्ट टू का सेक्शन ही, पार्ट टू का सेक्शन ई, ये भी बढ़िया क्वेश्चंस का सेट है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस
ई वन बन गया yes. Yes, sir. बन गया सर वो वही वाला क्वेश्चन था लास्ट वाला जो इंसेक्ट वाला क्वेश्चन दिया था वही yes, sir. सर इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पूछा है शॉर्टेस्ट हाँ वो शॉर्टेस्ट जो हमने लिखा था ना वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ही था तो यहाँ पे क्या है सिटी तो क्या है स्ट्रीम्स ऑफ सिटी आर अरेंज लाइक लाइंस ऑफ चेस बोर्ड देयर आर एन स्ट्रीट्स रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड एन स्ट्रीट्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट The number of ways in which man can travel from north west to south east. ठीक है तो यहाँ पे ये ऊपर में north होता है ना जनरली फिर इधर east आएगा और इधर west आएगा यही तो होता है yes, sir. Yes, sir. तो ये north north को कहाँ से जा रहे हैं north south direction में कितने number lines है m तो ये m number lines है chase like manner में ठीक है तो ये एम नंबर लाइन इस तरीके से लिख लिया फिर ईस्ट टू वेस्ट कितने हैं एन एन एक दो तीन इस तरीके से फिर डैश 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 करके ये बन गया ठीक है बीच में भी आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लेना ठीक है अब नॉर्थ वेस्ट मतलब यहां से ये पॉइंट दे देते इसको और ये साउथ ईस्ट ठीक है यहां से इसको ट्रेवल करना शुरू करना है और यहां पे पहुंचना है बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ तो बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाएगा तो खुद ही समझना पड़ेगा हमें या तो वो कैसे ट्रेवल करेगा इधर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा या तो साउथ की तरफ ट्रैवल करेगा ठीक है मतलब ऐसा नहीं कर सकता है वो कि पहले ईस्ट जाएगा देन साउथ जाएगा ईस्ट देन अगेन नॉर्थ तो फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो पाएगा ये एक तरीके से उस पाथ की लेंथ को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए या तो वो ईस्ट जाएगा या वो साउथ जाएगा ठीक है मतलब या तो वो राइट जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा ये क्लियर हो रहा है ठीक है अब उसके बाद ये बताओ अगर यहाँ पे m वर्टिकल लाइंस है चेस बोर्ड में बताओ कितनी वर्टिकल लाइंस होती है नाइन वर्टिकल लाइंस होती है और वहां पे वो कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बनाती है एट चेस बोर्ड को ध्यान से देखना नाइन वर्टिकल लाइंस और नाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है तो नाइन अगर वर्टिकल लाइंस है हमारे पास तो कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बनते थे एट एंड अगर नाइन वर्टिकल लाइंस थी तो कितने नंबर ऑफ वो कौन से वर्टिकल स्टेप्स बनते थे तो वो भी एट ही अब हमारे पास यहां पे कितनी वर्टिकल लाइंस है m तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितने आएंगे m -1 कितनी वर्टिकल लाइंस है n तो नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप्स n -1 तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने फॉलो करने पड़ेंगे m प्लस n माइनस 2 उसका फैक्टोरियल ऊपर आएगा फिर उसके बाद इसमें से जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस है वो सारी आइडेंटिकल काउंट होगी एंड वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस है वो आइडेंटिकल काउंट होगी तो डिवाइडेड बाय ये इसका आंसर है ठीक है लेकिन कैसे माइनस वन अरे तू चेस बोर्ड में बहुत देर बोल रहा हूँ ना चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया ना अगर हमारे पास n नाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस थी तो कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आ रहे थे एट नाइन माइनस वन तो वैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइंस देखो ये नॉर्थ टू साउथ मतलब वर्टिकल लाइंस ही है कितनी है हमारे पास m तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितने आएंगे m माइनस वन ठीक है यस yes.
चलो उसके बाद E2 यस सर ठीक है चेस बोर्ड ही बनाना है उसमें ठीक है ये चेस बोर्ड बन गया यहाँ पे तो इसमें मान लो ब्लैक एंड व्हाइट है ना पहले ये व्हाइट वाला पार्ट आएगा ठीक है तो ये चेस बोर्ड बन गया ठीक तो इसमें क्या बोला गया है अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पेयर ऑफ ब्लैक स्क्वेयर्स इन अ चेस बोर्ड सच दैट दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन कॉर्नर इज इक्वल टू तो उनमें एक मतलब मान लो दो हमें ब्लैक स्क्वेयर्स लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं कि उनमें एग्जैक्टली एक ही कॉर्नर कॉमन आ रहा होगा तो ये देखो इस तरीके की पेयर एक तरीके से सेलेक्ट करने हमें ये एक ब्लैक वाला एंड फिर ये वाला ब्लैक वाला ठीक है तब कैसे ये एक ब्लैक होना चाहिए और ये वाला एक ब्लैक इस तरीके के पेयर हमें सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे ठीक तो ये बताओ मान लो हम लोग इस रो के ब्लैक स्क्वेयर्स को सेलेक्ट करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें कितने पेयर्स मिलने वाले हैं ये सोच समझ के बताओ थ्री फोर के बताओ फोर एट फोर बताओ इसके लिए कितने सिक्स सिक्स सर एक स्क्वायर हम ये वाला लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा स्क्वायर लेने की कितनी पॉसिबिलिटीज है दो चार फोर चार पॉसिबिलिटीज है ना मान लो हम ये वाला ले रहे हैं तो एक ये ले सकते हैं उसके साथ ये ले सकते हैं उसके साथ ये वाला ले सकते हैं ठीक है ले सकते हैं यस सर यस सर फिर ये बताओ अगर ये ले रहे हैं तो इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी चार चार और ये ले रहे तो इसके साथ कितनी आएगी चार चार आएगी और ये ले रहे तो इसके साथ कितनी आएगी दो दो No. मान लो अगर हम इस रो को कंसीडर करते हैं तो इस रो को कंसीडर करते हुए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी 14 14 इसके लिए 4 इसके लिए 4 इसके लिए 4 तो 12 और इसके 2 मतलब 14 पॉसिबिलिटीज आएगी ठीक है अगर हम इस रो को लेके चलते हैं तो सिमिलरली इसको लेके चलेंगे तो कितनी आएगी इसको 14 तो ये बताओ अगर हमने इसके लिए 14 और इसके लिए 14 काउंट कर लिए तो इस रो में जो ब्लैक स्क्वेयर से उनके साथ आने वाले सारी पॉसिबिलिटीज उसमें इंक्लूडेड है क्या यस सर यस सर ये 14 हमने कौन सा लिखा पहला वाला
तीन ब्लैक स्क्वायर्स के साथ पेयर में आने वाले स्क्वायर्स के पॉसिबिलिटीज हमें पेयर वाइज कंसीडर करने हैं। तो एक ब्लैक स्क्वायर हमने इस रो में से लिया है, फिर दूसरा इधर से ले रहे हैं या तो इधर से ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी 14 पॉसिबिलिटीज है। फिर हमने इस रो को कंसीडर किया, तो इसको जब कंसीडर कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, अगेन 14 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर हमने इस रो के लिए पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर ली और इस रो के लिए कर ली, तो इसकी क्या अपने आप इसमें आ जाएगी? यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो, हमने इसके साथ ये ले लिया है और इसमें अगर 14 ले लिया, मतलब इसके साथ ये ले लिया है, तो इसके साथ आने वाले ये दोनों उसमें काउंट हो चुके हैं, तो उसको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टरनेट रो में से ब्लैक स्क्वायर्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला लेना होगा, इसके लिए भी कितने आएंगे, 14 और फिर इसके लिए बताओ सोच समझ के कितने आएंगे, 8 7 इसके 8 7 2 2 और 2 6 7 आएंगे, 7 ठीक है। यस सर, तो ये देखो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 49 ठीक। तो ये इसका आंसर, क्लियर है? काउंटिंग भी करने लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। हो गया? यस सर, यस सर। फिर उसके बाद E3, यस सर, यस सर, यस सर, यस। E3 में देखो क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लोजिंग ट्रिप्लेक्स XYZ, ये ट्रिप्लेक्स हमें सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई में जो मैक्सिमम होगा जेड उसके इक्वल या तो उससे बड़ा होना चाहिए, क्लियर। और जो एक्स वाई जेड है ये किसमें से वैल्यूज ले रहे हैं, ये बिलोंग टू बोला गया सेट 1, 2, 3 up to n, तो इनमें से ये वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसको थोड़ा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कि z जो है इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू ले लेते हैं, ये बताओ z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सोच समझ के बताओ। -2 मिनिमम है, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, सोच समझ के। 1 हो सकती है, 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू n-1 n plus अरे n रे n मैक्सिमम xyz सी में से वैल्यूज दे रहे हैं, तो z की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू n, ठीक है। तो अगर हमने z को 1 ले लिया, ठीक, z को हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो तुम लोग बताओ x एंड y की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, ये बताओ। x एंड y की वैल्यू 2 ले सकते हैं क्या, 1 2 ले सकते हैं क्या, ये बताओ। नो सर, नो सर।
नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने 2 ले लिया तो मान लो x को हमने 2 ले लिया, y को 1 ले लिया, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 2, और z को हम 1 लेके चल रहे हैं तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से x एंड z के लिए जो पॉसिबिलिटीज आएगी वो क्या है 1 1 सर y y हां वो y x एंड y। तो कितने ट्रिपलेट्स बने यहां पे, एक ट्रिपलेट, जब z 1 है तो x एंड y को भी 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x एंड y में से फिर मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1 है ना, दोनों 1 है मतलब वो दोनों इक्वल ही है, तो a की वैल्यू आएगी वहां पे 1 और z की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे, तो देख लो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद z की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो बताओ x एंड y की क्या वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। 2 1 1 2 1 1 2 1 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
क्योंकि फिर उस केस में इधर साइड जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, वन, एंड जेड तो टू है, तो टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो वन वन ले सकते हैं, ये बताओ टू वन ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो फिर दोनों में मैक्सिमम क्या आ जाएगा, टू, एंड इधर टू है तो टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, सही है, भले ही वहां पे ग्रेटर देन सेटिस्फाई नहीं होगा लेकिन इक्वल टू तो हो रहा है, तो ये भी एक हो सकता है। और क्या हो सकता है, वन टू, एंड टू टू, तो टोटल कितने ट्रिपलेट्स आएंगे फिर यहाँ पे, फोर फोर फोर। तो इसको देखो ऐसे रीड करते हैं हम लोग, अगर हमने z को 2 ले लिया तो x कौन सी वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो जो x से हमारा कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2, एंड y भी कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 2। मतलब हम x को कितने तरीके से फील कर सकते हैं, दो तरीके से, एंड y को भी दो तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे। फिर ऐसे z अगर 3 है तो ये बताओ x को हम कितने तरीके से नंबर दे सकते हैं, या उसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, तीन 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 तीन, इसको हम वन दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, या तो तीन दे सकते हैं, तो तीन तरीके से इसको फील कर सकते हैं। वैसे ही y को, तो नंबर ऐसे ट्रिपलेट कितने आएंगे, बी स्क्वायर आएंगे, नाइन सिक्स नाइन, अरे स्क्वायर नाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा नाइन। फिर ऐसे ही अगर हमने z को n ले लिया तो कितने आएंगे बताओ, n स्क्वायर, n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने आने वाले हैं यहां पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। आवाज आ रही क्या? अटक गई सर, वीडियो अटक गई सर, वीडियो अटक गया। अब दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, यहाँ पे z की वैल्यू लेकर चलना था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x से y की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज, तो उसके अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ना था। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस, ठीक है, डायरेक्टली वो नहीं बोलेंगे कि इसमें से इतने सेलेक्ट करो या इतने लाइंस है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं देंगे, वो क्वेश्चन देंगे ऐसे, ठीक है, जिसमें हमें थोड़ा सा
एक काउंटिंग टाइप दिमाग भी लगाना पड़ेगा, एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। मेंस में तो आसान आते हैं, मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एडवांस में भी कभी कभी आसानी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर इसमें सर टफ क्वेश्चन अगर इसका बनाना होगा तो वो इस तरीके के क्वेश्चन देंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद पार्ट थ्री का सेक्शन ई, E1 यस सर हो गया, यस सर हो गया, सर हो गया, यस सर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन में मुझे एक रेस्ट्रिक्शन डालना था, कल टाइम की वजह से मैं नहीं दे पाया था उसको, एंड उसके दूसरी मेथड भी बतानी थी। ठीक है, तो कल ये बताओ कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप थे इसमें और कितने वर्टिकल थे? 5 वर्टिकल, 6 एंड 6, मतलब 5 वर्टिकल थे ना एंड हॉरिजॉन्टल 6 थे शायद, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो इस तरीके की ग्रीड थी ना ये कल, यस सर यस, यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो उसको ट्रेवल करना था ए टू बी, या तो वो राइट जा सकता था या फॉरवर्ड, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से उसको ए टू बी पहुंचना था, तो दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए, ठीक है। अब इसको हमने कैसे डील किया था कि कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ रहे हैं 6, एंड कितने वर्टिकल स्टेप, तो 5, मतलब टोटल स्टेप कितने फॉलो करने पड़ेंगे 11, और इन स्टेप्स की जितनी अरेंजमेंट होगी आपस में उतने नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन उसमें से जो हॉरिजॉन्टल स्टेप थे वो आइडेंटिकल काउंट होंगे, तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इतने नंबर ऑफ वेज आ रहे थे, तो इसको काउंट कर लेते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन इसको, तो ये 7 × 2 डिवाइडेड बाई ये 120, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 11 तो ये 462 आ रहा है, ठीक है, 462 आ रहा है। अब इसमें देखो इसको कैसे दूसरे तरीके से कैसे डील करेंगे, तो हमने अगर यहां से शुरू किया ए पॉइंट से, तो इस पॉइंट तक हम कितने तरीके से पहुंच सकते बताओ, बोलो, दो। हमने यहां से शुरू किया है, वो या तो राइट जा सकता है या अपवर्ड जा सकता है, तो ये बताओ अगर इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितने तरीके से पहुंचा जा सकता है? एक, एक, दो, 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 दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा कौन सा है, थोड़ा दिमाग में क्या बोल रहा, रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो या तो राइट जाएगा या अपवर्ड जाएगा, तो अगर हमने ए से शुरू किया तो ए से यहाँ पहुंचने का एक ही तरीका है, ये तरीका मत काउंट करो, इसमें वो डाउनवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड वो नहीं आ सकता है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके कितने हैं, एक, वन, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये और बड़ा बनाना पड़ेगा या दिख रहा है, दिख रहा है ना। फिर ये बताओ इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ तरीके कितने हैं, बहुत समझ के सर, एक ही है, ठीक है। अगर वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव कर रहा है तो फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके भी एक ही है, उसको सीधा ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके एक,
एक इस पे पहुंचने के तरीके एक पहुंचने के तरीके ठीक है। तो ये नीचे वाली रो 111 से फील हो गई, वो क्या है 111 क्लियर है ना। यस सर। पॉइंट्स पे पहुंचने के तरीके, फिर उसके बाद ये बताओ इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वे एक 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 वर्टिकली जाना पड़ेगा यहां पे पहुंचने के one. ये वर्टिकल वाली पहली रो भी किससे फिल हो गई, वर्टिकल वाला कॉलम 111 से ठीक है। अब ये बताओ इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ हुए इस पॉइंट पे दो। अब दो है, मतलब वो या तो ऐसे आ सकता है या वो ऐसे आ सकता है। देख लो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं दो। फिर ये बताओ इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज, सोच समझ के तीन आएंगे। एक तो वो ऐसे जाएगा पहले एक से yes, फिर ऐसे दो एक में, फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पहली हॉरिजॉन्टल पहली वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल दूसरा वेव, फिर ऐसा हो सकता है कि पहले दोनों हॉरिजॉन्टल तीसरा सॉरी पहले दोनों वर्टिकल तीसरा हॉरिजॉन्टल। तो तीन तरीके से वो यहाँ पे पहुंच सकता है, कैसे पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों वर्टिकल एक ये पाथ आ जाएगी, फिर उसके बाद एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल दूसरी पाथ, पहले दोनों वर्टिकल तीसरा हॉरिजॉन्टल तीसरी पाथ, मतलब यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज थ्री। यहाँ पे पहुंचने के बताओ कितने आएंगे चार। पैटर्न दिख रहा है कि क्या है yes, sir. इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही वन एंड थ्री का एडिशन यहाँ पे आएगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज। फिर यहाँ पे पहुंचने के बताओ फाइव ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचने के तो ये ग्रिड कैसे फील हो गई क्लियर है। यस सर ए टू बी पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, तो वो किसका एडिशन आएगा इस रो के एलिमेंट्स का एडिशन कर लेते हैं। तो क्या है 1+5+15+35+70+126 ये एडिशन ठीक है, मतलब ये जो पहली रो है उनके एलिमेंट्स का एडिशन ए टू बी जाना है तो ये, फिर उसके बाद ये जो लास्ट कॉलम था उसके एलिमेंट का एडिशन सारे एलिमेंट्स का ठीक है। पहले ये इस रो के एलिमेंट्स का एडिशन देन इस कॉलम के एलिमेंट्स का एडिशन, वो क्या रहेगा यहाँ पे 1+6+21+56+126 सम कितना आता रहता है बताओ, सम कितना आएगा पहले इन एलिमेंट्स का सम फिर इसका कितना आएगा जल्दी से बताओ। 251 and 210 फाइनल सम बताओ ना।462 और वो आएगा भी 462 ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया ए टू बी पहुंचने के नंबर ऑफ वेज को काउंट करने का। लेकिन ये सिर्फ अपवर्ड और राइट में ना। हाँ वही
अपवर्ड में राइट में, हाँ मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन द सेंस बोला जाए शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ से ए टू बी कितने तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो 462 तरीके से पहुंचा जा सकता है, और ये उसके लिए दूसरी मेथड है। ठीक है, अब अगर डायरेक्टली बोला जाएगा ये मेथड तो हम लोग नहीं लगाएंगे, ये पर्टिकुलर केस में हम मेथड लगाएंगे, लेकिन ये मेथड क्लियर है क्या? कैसे बॉक्सेस को फिल करना है ग्रिड में जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, अब ये मेथड लगाएंगे कब? अगर सिंपली ए टू बी पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो हम ऐसे जाएंगे, बहुत आसान है, हम क्या ढूंढेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स वर्टिकल स्टेप्स, उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, ये सब वहां पे करने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी हमें क्या बोला जाता है कि ए टू बी जा रहा है लेकिन इस एरिया से वो नहीं जा सकता है, मतलब ऐसा कोई एक एरिया दिया जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया जिससे वो नहीं जा सकता है, तो फिर उस केस में इस मेथड से जाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ी दिक्कत देगा हमें, तो उस केस में हम जाएंगे इस वाले मेथड से। तो क्वेश्चन लिख लो अगला मेथड, ये तो क्लियर है ना मेथड टू लेके? यस सर। यस सर। मेथड लगाने कौन से क्वेश्चंस में है वो लिख लो, ग्रिड बना लो, ये पहले ग्रिड बना लो, कितने हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया? यस सर। यस सर। लिखो इसमें आगे क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच person find the number of ways by which person can travel from A to B, travel from A to B by using shortest path such that he cannot go through points C, D, E, F. Yeah, he cannot travel through points. He cannot travel through points C, D, E, F. तो इन पॉइंट से वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। such that
it cannot travel through points C, D, E, F. तो चलो देखो यहाँ पे ये बताओ अगर वो सी पॉइंट से ट्रेवल नहीं कर सकता है तो यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे अगर वो सी पॉइंट से ट्रेवल नहीं कर सकता है तो बताओ जीरो आ जाएंगे yes. Yes, अगर वो सी से जा ही नहीं सकता है तो यहाँ से ट्रेवल करने के या यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज तो जीरो काउंट होंगे क्योंकि हमें सी पे पहुंचना ही नहीं है ठीक है सी पे पहुंचना ही नहीं है तो वहां पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज जीरो ठीक है अब वो डी से ट्रेवल नहीं कर सकता है तो डी पे हमें पहुंचना ही नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज जीरो फिर यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज जीरो यहाँ पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज जीरो तो पहले तो हम इनको फिल कर लेंगे ठीक है क्योंकि C पे पहुंचना नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वे जीरो आ जाएंगे D पे पहुंचना नहीं है तो नंबर ऑफ वे जीरो E पे पहुंचना नहीं नंबर ऑफ वे जीरो नंबर ऑफ वे जीरो ये हमने फिल कर लिया अब ये बताओ A से निकल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब या तो वो राइट जाएगा या अपवर्ड जाएगा तो इस पॉइंट पे पहुंचने के नंबर ऑफ वे वन ठीक है वहां पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे वन फिर यहाँ पे पहुंचने के वन सिमिलरली वन यहाँ पे पहुंचने के कितने आ जाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे पहुंचने के थ्री सिक्स एट फिफ्टीन ट्वेंटी वन अब ये बताओ यहाँ पे पहुंचने के कितने आएंगे टेन फिर ये बताओ यहाँ पे पहुंचने के कितने आएंगे जीरो प्लस कैसे फील किया क्लियर है इसको Yes. अब इसमें देख लो yes. नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे ए टू बी पहुंचने के इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ठीक है और कॉलम के एलिमेंट भी ऐड होंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर्टीन तो इनको ऐड कर लो इतने नंबर ऑफ वेज रहेंगे इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ए टू बी पहुंचने के ठीक है 745 जो भी आ रहा होगा कितना आ रहा है बताओ 736 एडिशन तो सही से करो दो अलग अलग आंसर बता रहे उसमें भी बोलो जल्दी ऐड और कोई बताओ जल्दी बताओ 735 735 735 736
7:36 सर। 7:36 बहुत लोगों का आ रहा है तो वही आंसर होगा। 35 में यूनिट प्लेस की तो दिक्कत है ना, यूनिट प्लेस को देख लेते हैं। 7, 8, 14, 15, 22, 9 आ रहा है यहाँ पे। 11, 14, 17, 9, 17, 16 ये 7:36 आंसर है। ठीक है Yes. तो अगर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे तो हम इसी मेथड से अप्रोच करेंगे। पहले तो जिस पॉइंट से हम नहीं जा सकते हैं तो वहां पे पहुंचना ही नहीं है, तो वहां पे पहुंचने के नंबर ऑफ पे 000 दे देना, उसके बाद बस ये ऐड करते हुए तो चलना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। कौन सी मेथड कब लगानी है? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद ई टू? यस सर। तब बन गया है, डाउट है? डाउट इस वो ई टू में देख लो, तो जो पहली रो है उसमें कितने स्क्वायर थे? 4। ठीक है, दूसरे रो में कितने हैं? तो 3। फिर उसके बाद है 2। ठीक है, अब हमें किससे फील करना है इनको? 5 आइडेंटिकल एक्स है हमारे पास, उनसे इसको फील करना है। और किस तरीके से फील करना है? सच दैट नो रो रिमेंस एम्प्टी, कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो ये बताओ हमारे पास यहाँ पे टोटल स्क्वेयर कितने हैं? टोटल स्क्वेयर 9। ठीक है, इन 5 एक्स के लिए कितने स्क्वायर्स की जरूरत है? 5। तो पहले हम रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं और आंसर लिख लेते हैं। तो उन 5 एक्स के लिए हमें 5 स्क्वायर्स की जरूरत है, हमारे पास 9 स्क्वायर्स है। तो 9 से 5 तरीके से उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और उनको किनको एक्स को वहां पे बैठा दिया, उन 5 स्क्वायर्स में एक्स को बैठा दिया। अब जब हमने ये किया तो इसमें ऐसा भी हो रहा होगा कि इन तीनों में से कोई एक रो खाली होगी, ये भी पॉसिबिलिटी उसमें आ रही होगी, या कोई दो रो खाली होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी उसमें आ रही होंगी। तो वो पॉसिबिलिटीज हमें चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं। नो सर। हमें क्या चाहिए? नो रो एम्प्टी। तो इसका मतलब इसमें आने वाली कौन सी पॉसिबिलिटी जिसमें या तो एक रो खाली रह रही है या तो दो रो, वो हमें नहीं चाहिए। तो उनको हमें इसमें से क्या करना होगा? हटाना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाली रो खाली रह रही है। ये ऐसा हो सकता है ना कि ये रो खाली, सपोज मान लो ये रो खाली है, इसमें कोई भी एक्स नहीं आया, सारे के सारे एक्स जाके फिर कहाँ पे बैठेंगे? इन 5 स्क्वायर्स में बैठेंगे। कितने तरीके से? 5 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
इसके वजह से 5 फैक्टोरियल नहीं ले रहे यहां पे, तो पांच प्लेसेस थे, पांचों के पांचों सेलेक्ट कर लिया, वहां पे पांच एक्स को बैठा दिया 5 सी पर। फिर उसके बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली रो खाली रह रही है। अब बताओ टोटल स्क्वायर्स कितने हमारे पास एक्स को देने के लिए? 7 तो 7 में से कितने लेने होंगे? 5। ठीक है, तो ये रो खाली है और वो हमें नहीं चाहिए था और वो आंसर इसमें आ रहा था, इसकी वजह से टोटल में से इसको माइनस कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली रो खाली है
तो हमारे पास अब स्क्वेयर कितने बचते हैं? सात आठ 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 में से हम पांच एक्स के लिए कितने चाहिए होंगे? पांच, तो एट सी फाइव। अब ये बताओ, एक तो एक एक रो खाली है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है क्या कि जिसमें दोनों रो खाली हो? यस सर। नो सर। सर नीचे नहीं बन सर। लेकिन यहाँ पे वो आ सकती है क्या? यस सर, आ सकते हैं ना, पांचों के पांच। यस नहीं आ सकता सर, दो रो कभी भी खाली नहीं हो सकता। ये देखो, मान लो ये दोनों रो खाली है, ठीक है, ये दोनों रो खाली है, तो कितने स्क्वायर से हमारे पास? चार। चार हमें तो लेकिन कितने स्क्वायर की जरूरत थी? पांच। पांच मतलब ये चारों स्क्वायर फिल होके एक बचा हुआ जो एक्स है, इन दोनों रो में से किसी एक रो के स्क्वायर में आएगा। तो मतलब दोनों रो एट अ टाइम वैकेंट रहेंगे या एम्प्टी रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सोचने के लिए तो चलो ठीक था कि दो रो खाली रह सकते थे, वो पॉसिबिलिटी भी हमें हटानी पड़ती, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से उसका आंसर हटाने की जरूरत नहीं है। कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, नाइन से फाइव आ ही नहीं रहा था, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सर लास्ट में सेवन सी फाइव चाहिए ना? लास्ट सेकंड 65 75 लास्ट में। हां, ये इधर की चीज आएगा, इधर 65 और 75। यस सर। क्लियर? यस सर। टोटल में से हमें जो नहीं चाहिए थे वो माइनस कर दिया, फिर उसके बाद E3। यस सर। सर आंसर गलत आ रहा है। आंसर 5 आ रहा है, पीछे 4 दिए। तो इसमें क्या है, साइड AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल हैव 3 4 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन देम। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स कितने यहां पे? ये 3 है, ठीक है। BC के ऊपर कितने हैं? 4 है ना? हाँ, 4 BC के ऊपर, और इसके ऊपर 5 है। ठीक, अब हमें क्या बनना है? बनना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस इंटीरियर पॉइंट्स एज वर्टाइसेस इन K and another line segments including sides of triangle is if number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices is k and number of line segments including sides of triangle is p। मतलब ये जो k है वो number of triangles, sorry, यस सर, ट्रायंगल के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है एंड पी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है। तो पहले तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है बताओ? तीन पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो अब थोड़ा सा सोच समझ के पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है बताओ? 12। ये 3, ये 4, ये 5, तो टोटल कितने पॉइंट्स है? 12 में से हमने 3 पॉइंट्स ले लिए ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। क्या यही आंसर है ट्रायंगल का, बताओ? बोलो। माइनस यही आंसर है क्या? नो सर। इसमें क्या गलती हो रही है? हमने अगर 3 पॉइंट्स ले लिए कोलिनियर भी तो कौन सी केसेस हमें ट्रायंगल नहीं देगी? 4C3 अगर हमने तीनों पॉइंट्स यही वाले उठा लिए जो कि इसमें आ रहा है, ये जो हमने 12C3 लिया है उसमें ऐसा हो सकता है कि 3 पॉइंट्स इधर से आ जाए, 3 पॉइंट्स इधर से आ जाए और 3 पॉइंट्स इधर से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो उस केस में हमें ट्रायंगल नहीं मिलेगा, हमें वो साइड्स मिलेगी ट्रायंगल की, ठीक है, ये एबीसी ट्रायंगल की। एक तो वो केसेस हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो पहली केस कौन सी? अगर वो तीनों पॉइंट्स हम लोग यहाँ से ले रहे हैं,
फिर दूसरी क्या है, अगर वो तीनों पॉइंट्स हम लोग यहां से ले रहे हैं चारों में से, तीसरा कौन सा है जब ये तीनों पॉइंट्स हम लोग यहां से ले रहे हैं थ्री, तो ये अगर हमने टोटल में से माइनस कर दिया तो बाकी बचे हुए क्या रहेंगे, ट्राइंगल्स ही रहेंगे। ठीक है, तो काउंट कर लेना इसको। और के क्या है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये बताओ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, टू। ठीक है, तो 12 में से हमने क्या कर लिया, दो पॉइंट्स को ले लिया, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गई, 3C2 गड़बड़ क्या हो गई, तीन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन कोलिनियर पॉइंट को एक ही कंसीडर हो, तो इनमें से अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते तो हमें एक ही लाइन मिल रही है। ठीक है, मतलब अगर हम ये करते हैं 3C2 तो आंसर आता है 3, लेकिन अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है इनमें से अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो हमेशा हमें सेम ही लाइन मिल रही है, तो तीन के जगह पे कितनी लाइंस मिल रही है, एक ही लाइन मिल रही है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो टोटल निकाला है उसमें से कौन से केसेस माइनस कर देंगे, जब हम लोग दो पॉइंट्स यहां से ले रहे हैं इन तीन में से, फिर उसके बाद दो पॉइंट्स यहां से ले रहे हैं और दो पॉइंट्स यहां से ले रहे हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, प्लस थ्री भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस थ्री क्यों किया बताओ सर, क्योंकि सारे ही केसेस अगर हम इन तीनों में से कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो हमें सेम ही लाइन मिल रही थी, तो इसकी वजह से हमने टोटल में से इसको हटाना पड़ा टोटल में से। ठीक है, फिर यहाँ पे चारों में से कोई भी दो पॉइंट लेने पे सेम ही लाइन मिल रही थी तो टोटल में से उसको हटाना पड़ा, एंड ये पांच में से दो पॉइंट लेने पे सेम लाइन तो टोटल में से उसको हटाना पड़ा। ठीक, लेकिन ये एक लाइन भी तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, जो हमने ये टोटल में से ये माइनस करके लिखा है ना, इसमें ये वाली लाइन काउंट नहीं हो रही, ए बी लाइन, फिर बी सी लाइन काउंट नहीं हो रही है, ए सी लाइन काउंट नहीं हो रही है, तो ए बी लाइन, बी सी लाइन एंड ए सी लाइन का प्लस थ्री वहां पे हमें करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे के अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर, यस सर, ये तो हो गया उल्टे तरीके से, सीधे तरीके से भी जा सकते थे कि दो पॉइंट यहां से ले रहे फिर एक पॉइंट इधर बचे हुए में से किसी में से फिर एक पॉइंट यहां से, इस तरीके से केसेस बना के, लेकिन वो लेंदी है थोड़ा। ठीक है, केसेस बना के कोई केस अगर गलती से छूट गई तो आंसर गलत आ जाएगा, तो उससे बढ़िया टोटल में से जो केसेस नहीं चाहिए वो थोड़े कम केसेस बनते जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद E4, यस सर, नंबर ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड सच दैट एक्स लेस देन वाई एंड जेड लेस देन और इक्वल टू वाई इज एन। इसमें भी काउंटिंग है, फिक्टिशियस मॉडल है जो हमने कंसेप्ट देखे हैं वो कोई काम के नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, एक काउंटिंग है वो भी सिस्टमैटिक वे में काउंटिंग है, देख लो कैसे। हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बताओ 3 डिजिट का नंबर है तो एक जीरो हो सकता है क्या, नो सर, नो सर, एक जीरो नहीं हो सकता है। अब ये बोला जा रहा है एक्स लेस देन वाई है तो वाई भी जीरो हो सकता है क्या, नो सर, नहीं हो सकता है। और बाद में बोला जा रहा है जेड लेस देन और इक्वल टू वाई तो ये बताओ जेड जीरो हो सकता है क्या, नो नो सर, यस यस, यस सर, हो सकता है। ठीक है, वो तीसरे प्लेस पे आ रहा है ना, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जीरो आ सकता है, ठीक, यस। तो ये देख लो, अगर हमने एक्स को वन लिया शुरुआत तो एक से होगी तो वाई क्या लेना पड़ेगा हमें, टू लेना पड़ेगा, यस सर। तो ये बताओ जेड क्या आएगा, जीरो वन टू, जीरो वन टू, मतलब ऐसे कितने नंबर बनेंगे, तीन। अगर हमने वाई को थ्री लिया तो कितने बनेंगे बताओ,
चार नंबर्स बनेंगे, ठीक है। अगर y को हमने 4 दिया तो कितने बनेंगे? 5, ठीक है, 5 बनेंगे। ऐसे ही y को अगर हमने 9 दिया तो कितने बनेंगे? 10, 10, 10, ठीक है। मतलब टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं? अगर हमने x को 1 लिया है तो टोटल नंबर्स बन रहे 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 10, ठीक है। फिर उसके बाद x को अगर हम ले लेते हैं 2, तो y बताओ कितना आएगा? 3 आ सकता है? 3, मतलब y अगर 3 आ रहा है तो नंबर z की वैल्यू क्या क्या? 0, 1, 0, 1, 2, 3, y की वैल्यू 4, तो z कितना? 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही y की वैल्यू 9, तो z का से का 0, 1, 2, up to 9, तो ये बताओ इसमें टोटल नंबर कितने आएंगे? 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू 10, अब तुम खुद ही बताओ अगर हमने x को 3 ले लिया कितने आएगा? 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10, पैटर्न क्लियर हो गया ना? Yes, अगर x को हमने 3 लिया तो y की शुरुआत कहां से होगी? 4 से, एंड y की शुरुआत जब 4 से हो रही तो देखो कितने नंबर्स आएंगे? 5 और देन 6, इस तरीके से मतलब जो सम आएगा वो 5 प्लस 6 प्लस 7 अप टू 10। ऐसे x को अगर हमने 4 लिया तो कितने आएंगे? 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ऐसे x को अगर हमने 9 लिया, 9 ले सकते हैं क्या पहले? तो ये बताओ। नो सर, नो सर। तो वहां पे कितने आ जाएंगे? 10, ठीक। तो ये बताओ यहां पे ये जो 3 है वो कितनी बार ऐड हो रहा है? एक बार, एक बार। 4 जो है वो कितनी बार ऐड हो रहा है? एक बार, दो बार, दो बार। 5 कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 टाइम, 3 बार, ठीक है, 3 बार ऐड हो रहा है। ऐसे ही ये 10 कितनी बार ऐड होगा? 8 बार, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऐड होगा। तो ये इसका एडिशन है, क्लियर है? यस सर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में काउंटिंग तो काउंटिंग ही करनी है, लेकिन एक पैटर्न ढूंढना है काउंटिंग में भी। ऐसे नहीं कि गधों की तरह आगे करते हुए चले गए, अब हो गया, हमने ये दो निकाल लिए, काफी इतना वहां से हमें पैटर्न मिल गई कि ऐसा ऐसा होगा, सीधा फाइनल स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया सेक्शन ई का। अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार फिर से सॉल्व करके उनको देख लेना, ठीक है? यस सर, फिर से एक बार। चलो कोई नहीं, आज का डिस्कशन वर्थ इट है, क्वेश्चन बढ़िया थे ये। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया था सेक्शन ई सॉल्व अब तो कर लेना, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो होमवर्क कब है वैसे अपना नेक्स्ट लेक्चर? अगला लेक्चर कब है बताओ? परसों है क्या? परसों है सर, ठीक है। तो उसके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, पहले 10 क्वेश्चन। यस सर, अटेम्प्ट जरूर देना हर एक क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन थोड़े टफ है वहां पे, बिना अटेम्प्ट के तो आना भी मत, ठीक है? ऐसे क्या आना भी मत, बैठे रहना सिर्फ ऑनलाइन में। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, पहले 10 क्वेश्चन, ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, अगला टॉपिक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? बंद कर रहा हूँ फिर मैं मीटिंग।